इसमें जो प्राण कमावे वो तो आखो ही फल पावे। अरे एक नार वो है डर बहुत मंदी, एक नार वो है डर तेगन की मारन ते, एक नार तेगा देखो वीरों पे चलाई है। एक नार वो थी जो भैया बिना रोए रही, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है। पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है। एक नार वो थी जाने कुनबा को नाश कियो, एक नार वो थी जाने कुनबा को नाश कियो। रावण की बहन वो तो सुपन खा बताई है, रावण की बहन वो तो सुपन खा बताई है, रावण की बहन वो तो सुपन खा बताई है। एक नार वो थी जाके पति ने सिराफ दियो, एक नार वो थी जाके पति ने सिराफ दियो। गौतम की नार अहिल्या पत्थर की बनाई है, गौतम की नार अहिल्या पत्थर की बनाई है, गौतम की नार अहिल्या पत्थर की बनाई है। एक नार वो थी जाने बेटा को ना भेद दियो, एक नार वो थी जाने बेटा को ना भेद दियो। वही कुंती माता महाभारत में कहाई है, वही कुंती माता महाभारत में कहाई है, वही कुंती माता महाभारत में कहाई है। एक नार वो थी जैसे यमराज विहार गए, एक नार वो थी जैसे यमंदे, एक नार वो थी जैसे यमराज भी हार गए। वही सती सावित्री भारत में कहाई है, वही सती सावित्री भारत में कहाई है, वही सती सावित्री भारत में कहाई है। एक नार वो थी जाने पति व्रत धर्म से, एक नार वो थी जाने पति व्रत धर्म से। तीनों देवों को दिया पलना झुलाई है, तीनों देवों को दिया पलना झुलाई है, तीनों देवों को दिया पलना झुलाई है। एक नार वो थी जाने पति की ना मानी बात, एक नार वो थी जाने पति की ना मानी बात। पिता के यज्ञ में प्राण कमाई है, पिता के यज्ञ में प्राण कमाई है, पिता के यज्ञ में प्राण कमाई है। एक नार वो है पति सेवा करे दिन रात, एक नार पति की ही बात ना सुहाई है, एक नार पति की ही बात ना सुहाई है, पति की बात ना सुहाई है। अजी पर हित में जो प्राण गमावे वो तो अच्छो ही फल पावे, अरे परे हित में जो प्राण गमावे वो तो अच्छो ही फल पावे। अब देखिए अब हो गया भजन चालू। ये थी नारों की बात। हमारी धरती पर कैसी कैसी नार हुई हैं जिनका हम गुणगान गा रहे हैं। अब देखिए आवाज संबंधी कौन कर दिया और मंदी करो आवाज संबंधी भाई तुम्हारी में। अरे नैनी सारन बनी एक भूमि, नैनी सारन बनी एक भूमि, इत मथुरा इत काशी है उसी तपो भूमि पे तपरे ऋषि हजार अठासी है। सबने मिलकर खीर बनाई, सब संतों ने खीर बनाई, एक कर गए भूल चरासी है। खुली खीर को छोड़ के नहाने चले गए सन्यासी है, खुली खीर को छोड़ के नहाने चले गए सन्यासी है, खुली खीर को छोड़ के नहाने चले गए सन्यासी है। बात ना झूठी है मेरी अब वेद शास्त्र में भी पावे वो तो अच्छा ही फल पावे, अरे परे में जो प्राण गवावे
निसारण संविधान सुनने के बाद कहां पर पहुंच रही है? भूमि का नाम था नैनिसारण। नैनिसारण भूमि पर सभी संतों ने मिलकर तपस्या की। अब तपस्या हो गई पूरी, सभी संतों ने लिए, सभी संतों ने भंडारे के लिए खीर बनाई, लेकिन खीर तो बना दी, गलती कर दी। खीर बनाकर सभी संत गंगा जी नहाने के लिए चले गए, खुली छोड़ दी खीर, खीर को ढका नहीं किसी ने, गंगा जी नहाने चले गए। अब आसमान में घूम रहा था एक पक्षी बाज, और नीचे घूम रहा था एक सर्प। बाज में और सर्प में लड़ाई बाजगी। अब क्या हुआ? एक बाज और एक सर्प में बाजी खूब लड़ाई है। 10 के भागो सर्प बाज को, बाज गए और इसी आई है। लगाए के ताकत फेर बाज ने, लगाए के ताकत फेर बाज ने, लीनो सर्प उठाई है। बाज के पंजे से सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है। बाज के पंजे से सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है। बाज के पंजे से सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है। गिरो खीर में सर्प भाइयों ना नजर किसी के आवे, वो तो बाजी मलकावे। अरे परहित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही मलकावे। पंजे से छूट का सर्प गिर गया खीर में, और खीर बन गई जहर। खीर जहर बन गई। अब उस सीन को कौन देख रही थी मालूम है किसी को? हाँ, धन्यवाद, ताली बजाए बहन जी के लिए। एक मेढकी देख रही थी उस सीन को। मेढकी, मेढकी कहने लगी ये तो बहुत बुरी बात हुई। अरे संत भोजन खाने के लिए तैयार हैं और सर्प गिर गया खीर में, खीर जहर बन गई है, सभी संत खाएंगे, संत मर जाएंगे, तू देखती रहेगी, तेरा जीना बेकार। देखिए मेढकी क्या काम करेगी। गिरता हुआ सर्प भाइयों एक मेढकी की तरह लखाई है। मेढकी मन में सोच रही संत खीर को खाई है। थोड़ी देर में भोजन करने संत गए सब आई हैं। मारो छटका कूदी मेढकी गिरी खीर में जाई है। मारो छटका कूदी मेढकी गिरी खीर में जाई है। अरे मारो छटका कूदी मेढकी गिरी खीर में जाई है। अरे चौधरी साहब राजपाल जी, देखिए 51 रुपए से हमारी पार्टी को मान सम्मान कर दें, और ये 10 रुपए हमारे गुरुजी बिशन जी, 10 रुपए भाई भूपेंद्र जी मालिक साहब, हमारी पार्टी को सभी मान सम्मान करें। अब देखिए मेढकी कूद गई खीर में। संत कहने लगे मेढकी तेरा सत्यानाश जाएगा, तूने 88,000 संतों के प्रसाद को बिगाड़ दिया, क्या खिलाएंगे संतों को हम? संत कहने लगे कोई बात नहीं है, मेढकी को निकाल कर अलग रख दो और खीर को फेंक दो किसी गड्ढे में। खीर को फेंकने के लिए गए, लास्ट में सर्प की हड्डी निकली। संत कहने लगे भाई सर्प की हड्डी कहां से आई? हमारे सामने कूदी मेढकी, मेढकी हमने निकाल कर अलग रख दी, लेकिन ये हड्डी कहां से आई? बाद में सारी बात समझ गए, भगवान से डोल लगाई, अरे भगवान तुम्हारे यज्ञ में एक मेढकी ने प्राणों की आहुति दे दी है, मेढकी मर गई है, यदि मेढकी जिंदी नहीं हुई तुम्हारे यज्ञ बेकार खंडित। सभी संतों ने मिलकर मरी हुई मेढकी के ऊपर मंत्र मारे। क्या बनाया मेढकी का सभी ध्यान से सुनेंगे। अरे सर्प की हड्डी देखी तो संतन को अचरज भारो है, आप मर गई हमें बचाए गई, कर गई काम करारो है। मारो मंत्र बना दई कन्या, मरी हुई मेढकी कन्या बना दई संतों ने।
मार के मंत्र बना दई कन्या, रूप चमक रहे हो न्यारो है, मंदोदरी कन्या को नाम धरो, कहे लखन ये बर के बारो है, मंदोदरी का को नाम धरो, कहे लखन ये बर के बारो है, मंदोदरी का को नाम धरो, कहे लखन ये बर के बारो है। अरे सुंदर देख के ले गो रावण, या है सुंदर देख के ले गो रावण, धर्म पालियों गावे वो तो अच्छा ही फल पावे, अरे पर हित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छा ही फल पावे, अरे पर हित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छा ही फल पावे। ताली बजा एक बार फिर भी गड़बड़ कर रहे।